चांद के अनसुने और अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है चंद्रयान 3। खासकर चांद के दक्षिणी सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर क्या हालात हैं, मिट्टी का तापमान क्या है, क्या वहां पानी की मौजूदगी है, वहां कौन से खनिज हो सकते हैं, वहां के तमाम हालात और जानकारियां चंद्रयान 3 आप तक पहुंचा रहा है। विक्रम लैंडर और रोवर की जुगलबंदी की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपने रोवर की मूनवॉक भी देखी और विक्रम लैंडर ने कैसे रोवर को उतारा ये भी देखा। लेकिन अब एक ताज़ा अपडेट सामने आई है जो आपको चौंका देगी। ये रोचक अपडेट ये है कि चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो मिट्टी की तापमान की जानकारी है वो साझा की है और इसरो ने इसके बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट भी दिया है। आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का तापमान क्या है, वहां हालात कैसे हैं, चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है और इन आने वाले दिनों में चंद्रयान 3 कई बड़े प्रयोग करने वाला है। इसरो वक्त वक्त पर चंद्रयान 3 के टारगेट, प्रयोग और अपडेट के बारे में आपको बता रहा है। लोकमत हिंदी भी आपसे तमाम जानकारी साझा कर रहा है। इस बीच चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का तापमान कितना है उसके बारे में भी इसरो ने बताया है। दुनिया को अब पहली बार पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह पर ताप किस तरह परिवर्तित होता है। चंद्रयान 3 के पेलोड विक्रम लैंडर ने चांद की मिट्टी के तापमान का आंकलन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पेलोड द्वारा मापे गए अलग अलग वक्त के ताप को एक ग्राफ के रूप में पेश किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ लगे चेस्ट उपकरण द्वारा चंद्र सतह पर मापी गई तापमान भिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया। आप भी इस ग्राफ को इस फोटो में देख सकते हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी की जांच शुरू भी कर दी है। इसरो ने 27 अगस्त को एक ट्वीट किया। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच की। सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक इसके तापमान में अंतर था। इसरो ने लिखा, ये पहली बार है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्र मिट्टी की तापमान प्रोफाइलिंग की जा रही है, क्योंकि पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने मिट्टी के तापमान पर ग्राफ शेयर किया है। ग्राफ में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक दिखाई दे रहा है। इसरो ने बताया कि 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। इस ग्राफ में चंद्र की सतह के तापमान के अंतर को दिखाया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए पहली ऐसी प्रोफाइल है। आगे रिसर्च चल रही है। इससे पहले इसरो ने यह भी जानकारी दी थी कि चंद्रयान 3 के 3 टारगेट हैं और इन 3 उद्देश्यों में से 2 चंद्रयान 3 पूरे कर चुका है, तीसरे पर भी रिसर्च जारी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी के ताप को लेकर यह भी कहा गया है कि इसका विस्तृत अवलोकन कई दिनों तक करने के बाद इसरो ताप को लेकर कोई सटीक विश्लेषण पेश कर सकता है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। इसी के साथ कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए चंद्रयान 3 जुटा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में कई बड़े रहस्यों को ये सुलझा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।